अभी हमारे यहाँ थोड़ी सी एक अज्ञानतावश हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं धार्मिक, तो उसमें ये एक बात हो रही है कि फड़ापेन जो होता है, फड़ापेन की पूजा हम लोग जब करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, कुछ का कहना होता है कि प्यूरा लेने पीला वाला हमें कुछ कपड़ा सिर पे बांधना चाहिए, कुछ लोग जो होता है कुछ एरिया में काला और लाल झंडे का इस्तेमाल करते हैं फड़ापेन के लिए। जब वो चैत्र पूनम के बाद में जो पूर्णिमा आती है तो भगवान को स्नान कराने ले जाते हैं, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा कहते हैं, चैत्र पूर्णिमा के बाद में कौन सा वैशाख पूर्णिमा, तो उस दरम्यान सुबह जब हमारे बड़ादेव को उतारते हैं पेड़ पे से और स्नान कराने ले जाते हैं तो झंडा एक एरिया में कहीं लाल और काला होता है और कुछ एरिया में मेरे ख्याल से लाल का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ कपड़े जो होते हैं भूमकाल के वो सफ़ेद होने चाहिए। तो ये कहाँ तक हम लोग सही माने और इसके ऊपर में चले, इसके ऊपर हमें थोड़ा एक मार्गदर्शन करिए। नहीं, जैसे जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं उनके कपड़े तो सफ़ेदी होते हैं। सफ़ेदी होते हैं या होना चाहिए? सफ़ेदी होते हैं और होना भी चाहिए। और सिर के ऊपर में पगड़ी पीली होनी चाहिए या सफ़ेदी होनी चाहिए? वो पूरा सफ़ेद रहेगा, सफ़ेद रहेगा। अच्छा अच्छा, दूसरी बात है कि भाई ये यानी फूल वगैरह कैसे चढ़ाना, क्या करना, वो करना, तो ये ऐसा है अपने देवी देवताओं को केवल मुहे का फूलज क्यों चढ़ाते थे, यानी पानी नहीं छिड़कते? हाँ, मुहे का फूल यानी मुहा ऐसा है कि वो 10 साल का भी रहा और पानी में डाल दो तो खुल जाता है बिल्कुल, क्योंकि यानी ताज़ा हो जाता, तरोताज़ा। इसलिए हरदम यानी जो फूल हर वक्त यानी तरोताज़ा रहता है उसी फूल को चढ़ाते हैं अपने देवी देवताओं। ये मोहे के फूल आपके लिए बहुत मिलना मुश्किल हुआ है, इसका कारण क्या है? शहरों में हमारे लोगों को नहीं मिल पाता है तो लोग हमारे अज्ञानतावश उसका जो रस होता है, जो कल या दारू जिसका इस्तेमाल करते हैं बोलते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या उचित है? भाई उचित या अनुचित की बात नहीं, उचित ये है कि फूल ही चढ़ाना है, रस चढ़ाना नहीं। तो आप इस बात पे सहमत हैं और पक्के निश्चय, दृढ़ निश्चय से आप कह सकते हो कि सिर्फ फूल ही चढ़ाया जाए पीला? फूल ही चढ़ाया जाए नहीं, फूल ही चढ़ाया जाता है, फूल ही चढ़ाया जाता है, यानी पूर्व यानी मेरा अपना विचार नहीं है, ये हमारे पुरखों का। हाँ, तो उसी को आप समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल, चढ़ाना ही चाहिए। चढ़ाना चाहिए। आपकी अपनी किताब में जो दिया है आपने कि पूरा पूरी विधि पूजा पाठ के साथ में, तो क्या कुछ लोग अपना रहे हैं, आपके नजर में आया है ये? नहीं, ये जो अपना रहे ये मेरे भी विधि विधान नहीं है, ये समाज के विधि विधान है जिनको लिखित रूप में दिया हूँ। हाँ, ये लिखित रूप, ये समाज का विधि विधान। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपने, लिखित मेरे अपने जो विधान है, जो यानी मतलब यानी लिपिबद्ध नहीं था उसको मैंने लिपिबद्ध किया, जो लिंगो लिंगो बाबा ने जो प्रचलित है, जो लिंगो बाबा ने हमें 12 सगा दिया है उसको लेकर जो चल रहे हैं, तो इन लोगों को जागृत करने के लिए धार्मिक वृत्ति और उसमें भी अंधश्रद्धा का जो एक भाग होता है वो कितना रहना चाहिए, कितना ना रहे? नहीं, अंधश्रद्धा, हाँ, अंधश्रद्धा की तो बातें ही नहीं ना। हाँ, जैसा कि फड़ापेन शक्ति की, जहाँ सल्ला और गांगरा शक्ति की हम पूजा करते हैं, उसका अर्थ होता है हमारा पिता और माता की पूजा करते हैं, हमें जन्म देने वाला हमारा माता पिता ही होता है, कोई भगवान नहीं जन्म देता, कोई ईश्वर जन्म नहीं देता, ये माता पिता ही देते हैं, और माता पिता को हम साक्षात देखते हैं उस शक्ति को, तो उसको मानते हैं। इसमें यानी अंधश्रद्धा की बात कहाँ आई? गोंडों में हमारे भीमालपेन शक्ति हमारे पुरखे हुए, पूर्वज हुए, इन्होंने हमारी सेवा की, इनका मान सम्मान हमने करना ही चाहिए। नाग देवता है, नाग बड़ी शक्ति है, इस प्रकृति का एक अंश है, उसने यदि हमको काट दिया तो हम यानी मर भी सकते हैं, इसलिए उसका आदर सम्मान करना चाहिए, बागदेव का सम्मान करना चाहिए। ये पेड़ पौधे हैं, इनकी पूजा पाठ हम लोग करते हैं क्योंकि ये हमको छाव देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, सब चीज़ सब देने का काम करते हैं, सेवाज करते हैं, तो इसको हमारे अज्ञानतावश हम लोग चमत्कार क्यों मानते हैं? नहीं, चमत्कार का सवाल ही नहीं है, चमत्कार को विमान ने किया हुआ है। नहीं, ये तो यानी उसकी ये यानी चमत्कार नहीं किया, इसने कार्य किया, उसमें उतना बल था, शक्ति थी, उसने कार्य किया, अब उस कार्य को अब
हम चमत्कार नाम दे रहे तो हम ये नहीं, हमारी ये हमारी अपनी अज्ञानता होगी। अच्छा, तो आप इस अपने गौड़ समुदाय के अज्ञानता को दूर करने के लिए अगला कदम क्या है आपका? हमारा अगला कदम यही है कि जितने भी मतलब इनके सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य है, उनका दार्शनिक आधार क्या है, महत्व क्या है, इस समाज के सामने रखना, और हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी ये समाज जागरूक होगा। और हम देख रहे हैं कि समाज जागरूक यानी ज़्यादा जागरूक हो रहा है। अभी यानी कांकेर में यानी एक सम्मेलन अटेंड करके आया, कम से कम यानी 2 लाख पब्लिक थी, ये अभी यानी 7-8 दिन पहले की बात। तो अब देखिए यानी इस मुताबिक यानी इस धर्म के नाम पर अपना समाज जोड़। आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप अपने इस कार्य में हमेशा अपने सोच विचार के साथ में अपने समाज बांधवों को साथ में लेकर